शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। थोड़ा प्यार से बोल दो थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ये वर्ड्स वाकई में बोलने में और सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों बोला। भाई हमारी A1 रसोई को ढेर सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया तो बनता ही है। और वैसे भी ये वर्ड अगर हम कहीं भी आभार प्रकट करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये हमारी सभ्यता कहलाती है भाई। इसीलिए, और ये प्यार कभी कम नहीं हो जाए, इसीलिए मैंने आपको पहले से बहुत सारा थैंक यू और शुक्रिया बोल दिया। और मैं ये चाहती हूँ कि ये प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे दिन पे दिन। और जब भी कभी घर में आपको अच्छा सा खाना बना कर खिलाएं तो आप भी बोलिए थैंक यू। और हमारे जो शेफ्स हैं वो हमारे संग जुड़े रहते हैं, हमारे लिए इतनी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते हैं, इन सर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आज जो हमारे शेफ हैं होटल इंडस्ट्री से हैं, तो भाई होटल में जब भी जाते हैं ना और खाना अगर अच्छा मिलता है तो भाई तबीयत खुश हो जाती है। ऐसा लगता है पैसे वसूल हो गए, खाना बड़ा शानदार था, दिल खुश हो जाता है। जी हाँ, तो चलिए स्प्रिंग रोल होटल स्टाइल में बहुत कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन देखिए बहुत मसाले नहीं होते, कुछ नहीं होता, बस क्या ट्रिक होती है ये एक जानने वाली बात होती है। तो आइए जानते हैं, आज के हमारे शेफ़ हैं शेफ योगी, जो कि लोहागढ़ होटल जो जयपुर में है वहाँ पर शेफ हैं। बहुत सारी होटल्स में ये काम कर चुके हैं, बहुत सारे कुजीन्स ये बनाना जानते हैं। तो आइए वेलकम करेंगे शेफ योगी का। योगी जी, A1 रसोई में स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं योगी जी? बढ़िया, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया हूँ योगी जी। और आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल, तो स्प्रिंग रोल एक ऐसा स्टार्टर है जो सूप्स के साथ और एज अ स्टार्टिंग में जब मंगाया जाता है और गर्मा गर्म जब सर्व होता है और क्रिस्पी जब लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस हम यही जानेंगे आज आप स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। वैसे कहने के लिए तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आइए देखते हैं कि आप उसको कैसे बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, स्प्रिंग रोल की नॉर्मल वेजिटेबल कैबेज, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन और स्लाइस अनियन। अच्छा, नॉर्मल सिंपल वेजिटेबल है, हर जगह अवेलेबल भी होती है। और नॉर्मल सीजनिंग के लिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर और विनीगर, डार्क सोया या नॉर्मल सोया सॉस जो आपके पास है वो यूज करते हैं, रेड चिल्ली सॉस भी। अच्छा। इसके नॉर्मल सिंपल से फिलिंग के लिए हमें सीड चाहिए, जो सीड मार्केट में मिलती है और हम खुद भी बना सकते हैं नॉर्मली, कॉर्नफ्लोर सेम क्वान्टिटी में और मैदा दोनों का घोल बनाने। कोई अंडा भी यूज करता है, कोई वेजिटेरियन होते वो अंडा यूज नहीं करते, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। सिंपल सी रेसिपी के लिए सबसे पहले नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल हल्का सा गर्म होने के बाद में डालेंगे, जिंजर, क्रश की हुई जिंजर और गार्लिक। चाइनीज फूड में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिंजर और गार्लिक। चाइनीज फूड को सेच में यानी कि छिलके तेल में बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जितने भी चाइनीज कुजीन आप जानते हैं कि उसमें गार्लिक का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ऐसे ही हमने यहाँ पे लिया है गार्लिक और जिंजर, दोनों के दोनों चॉप है। स्लाइस कैबेज, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन, अनियन, इनको सोते करेंगे। ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो भी सब्जियां ली हैं वो उसमें पत्ता गोभी भी है, साथ में हरा प्याज है, उसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको यूज़ किया है, अनियंस हैं स्लाइस्ड है और शिमला मिर्च है। तो ये इसकी बेसिक सब्जियां हैं जिनके साथ स्प्रिंग रोल तैयार होता है। और इसमें चाइनीज़ जितनी भी रेसिपीज़ बनती हैं आपने देखा होगा कि इसमें पत्ता गोभी काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में यूज़ करी जाती है और उसका वाकई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसको हल्का हल्का सा सौते करना है, बहुत उसे गलाना नहीं है आपको। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जियाँ हल्की सी सौते होती जा रही है। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, अरोमेट पाउडर और कई जगह अजीनोमोटो भी यूज करते हैं, लेकिन अजीनोमोटो आजकल बैन हो चुका है, तो उसके लिए एरोमेटिक सीजनिंग पाउडर आता है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों आप कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है।
विनेगर, सोया सॉस, और शिजवान सॉस। शिजवान सॉस, हाँ जी, ओके। शिजवान सॉस में सेम क्वांटिटी में गार्लिक, जिंजर और रेड चिली होल का पेस्ट बना के बनाया। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें हमने शिजवान सॉस का यूज़ किया है, तो इससे पंजिंगनेस आएगी, थोड़ा सा टेस्ट बहुत अलग हटके आता है, और शायद यही एक सीक्रेट होता होगा कि स्प्रिंग रोल जो होते हैं कि वो एकदम हमें चाहिए होते हैं होटल स्टाइल में, तो इसमें इन्होंने ऐड किया है शिजवान सॉस। अगर आप चाहें तो घर में बना सकते हैं, साबुत लाल मिर्च को पानी में डिप कर दीजिए, पूरा पेस्ट बनाए तो उसमें जैसे अदरक है, लहसुन है, थोड़ा सा नमक है, ये सब डाल के आप इसको चर्न कर लीजिए, तो एक तीखा सा शेजवान सॉस रेडी हो जाएगा। और नहीं तो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल भी है, आप उसको यूज़ करके इस तरीके से आप स्प्रिंग रोल तैयार करिएगा। और अब देखते हैं, ये तैयार हो गई है स्प्रिंग रोल की स्टफिंग, और अब क्या करना है ये देखते हैं। अब स्प्रिंग रोल की जो शीट है अपने पास में, अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में फील करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। अच्छा। इसको हॉट गार्लिक सॉस, स्वीट चिल्ली सॉस, शिजवान सॉस के साथ में सर्व किया जाता है। अच्छा, ठीक है योगी जी। वर्तिका जी, जो स्प्रिंग रोल की शीट है नॉर्मल इतनी पतली भी होती है, और जो मार्केट में आराम से इजीली कहीं पर भी मिल जाती है। ठीक है। तो स्टफिंग के लिए जो कॉर्नफ्लोर और मैदा के साथ में इसका घोल बनाएं। क्या बात है, इजीली रोल किया, रोल के बाद में हल्का सा ऑयल में डीप फ्राई करेंगे इसको। आपने तो एकदम इसको लॉक कर दिया है। हाँ, हमारे व्यूअर्स का बहुत अच्छे से बताएं कि किस जगह आपने जिसकी स्लाइम बनाई है हमने वो लगाई है, कैसे इसको रोल करना है, कैसे किस तरह से इसको फोल्ड करना है ताकि उनकी स्टफिंग बाहर नहीं निकले। जो सेंटर है स्प्रिंग रोल का सीट का, साइड से दोनों ये कोने टर्न किया, उसके बाद में इजीली कॉर्नफ्लोर साइड से ये देखना है कि कहीं से छूट नहीं जाए, अगर फ्राई कर रहे समय फिर ये खुलने का डर रहता है। तो स्प्रिंग रोल की जो शीट है वो मार्केट से ली गई है, मार्केट पे बहुत इजीली अवेलेबल है। एक्चुअली शीट इतनी थिन होती है, जब ये फ्राई हो जाती है तो उसका जो टेस्ट है वो वाकई में बहुत अच्छा आता है। और सेकंड चीज़, अक्सर इस चीज़ को फोल्ड कैसे किया जाए, इसको शेप कैसे दी जाए, तो जैसा कि अभी आपने देखा कि एकदम होटल स्टाइल में कि स्क्वायर शीट है, उसके दोनों एजेस पे पहले हमने स्लाइम लगाई, फिर बीच सेंटर में हमने स्टफिंग रोका, फिर जो दोनों एजेस हैं पहले आप उसको फोल्ड करिएगा, फिर जो लास्ट वाला यानी कि इस तरफ वाला एजेस है उसको आप फोल्ड करके और फिर हमें इसको रोल कर देना है, तो एकदम लॉक हो जाएगी और स्टफिंग कहीं से भी बाहर नहीं आएगी, वरना ये तेल भी नहीं पिएगी। इसमें एक सबसे अच्छी खास बात क्या है कि जो हमने जिस तरह से फोल्ड किया है, वरना अगर आप किसी और तरीके से फोल्ड करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो ऑयल है वो अंदर तक चला जाए, लेकिन इस चीज़ में ऑयल कहीं से भी अंदर नहीं जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जैसे शेजवान सॉस को यूज़ करना, स्टफिंग कैसे फिल करना, और शीट्स जो हैं वो कॉर्नफ्लोर और मैदा के साथ आप घर में बना सकते हैं, लेकिन बेटर है कभी भी अगर आप घर में बना रहे हैं तो मार्केट की शीट का यूज़ करें। ऑयल गर्म होने के बाद में आराम से ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो गर्म ऑयल में भी डिप करने से क्या होता है ना कि बाहर तो कलर आ जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। अच्छा। तो ऑयल को नॉर्मली ही गर्म में फ्राई करना है। अच्छा, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है। ठीक है,
अभी धीरे धीरे हल्का सा गोल्डन कलर में आने के बाद में हम इसको निकाल लेंगे। ओके। फिर सर्व किया जाता है स्वीट चिली सॉस, सीजवेन सॉस, पेपर गार्लिक सॉस। ओके, तो आपने देखा कि योगी जी ने एक बात और बताई है कि ऑयल को बहुत ज़्यादा आप हीट मत करिए, मतलब एकदम तेज़ गर्म नहीं करना, हल्का जब ऑयल नॉर्मल गर्म हो जाए तभी डाल दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ताकि एकदम धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे जब इसको हम फ्राई करते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है, अच्छे से वो क्रिस्प हो जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये देखिए कि सिंपल सी स्टफिंग है, कुछ भी नहीं है। और यही स्प्रिंग रोल की प्लेट, अगर नो डाउट अगर आप होटल में जब भी आपने ऑर्डर करी होगी तो आपको पता होता होगा कि 3-4-5-7 पीस आते हैं और प्लेट कितनी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन यही स्प्रिंग रोल्स आप घर में बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ओकेजनली आप जाइए खाइए पिए, लेकिन कभी जब आपको लगता है कि नहीं आपको अच्छे से स्प्रिंग रोल खाने हैं आज तो, और पूरे घर वालों को खाने हैं, तो बिल्कुल शीट का पूरा पैकेट लेकर आइए और आराम से सबको डीप फ्राई करके गर्मा गर्म पूरी सर्दी सूप के साथ एंजॉय करिए। तो योगी जी एक सुंदर सा मैं देख रही हूँ इसमें कलर आ गए हो गए हैं, है ना? हाँ जी। ठीक है, तो इन्हें हम निकालते हैं और इन्हें वही कट करते हैं कि किस तरह से कट होंगे ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। ये गोल्डन कलर आने के बाद में आराम से स्टैंड करेंगे, निकालने के बाद में ट्रायंगल में कट करो चाहे होल में, जो आपकी इच्छा वैसे। ठीक है, नॉर्मली ट्रायंगल साइज में कट किया है इसको। पत्ता गोभी जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें डस्टबिन में डाले थे गार्निश के लिए। रेडी है। तो योगी जी ये स्प्रिंग रोल रेडी है बिल्कुल लाइक है। तो देख रहे हैं आप कि दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसकी परफेक्ट शेप आई है और अब देखते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा आया है। तो मैं इसको टेस्ट करती हूँ। योगी जी एकदम परफेक्ट टेस्ट है, और साथ में क्योंकि हमने जो शीट है वो एकदम पतली वाली यूज़ करी है तो इसमें एकदम बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प है। तो आप भी इस तरह से बनाएं, किस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है, कैसे हमने इसकी स्टफिंग बनाई है, बहुत ज़्यादा आपको इसको पकाना नहीं है, हल्का स्टफ फ्राई करना है, बेसिक सब्जियों के संग इसको बनाया गया है। तो आप ये एक बार इस तरह से इन सर्दियों में गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल एक टमाटो सूप के साथ हो जाए तो कुछ बातें हैं जिन्हें नोट कर लीजिए। और हम आ रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। एवन रसोई में ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और कुछ कुछ अच्छी रेसिपी सीख रहे हैं। अब अगर बात करते हैं हम होटल स्टाइल रेसिपीज की, तो ये पनीर सबसे पहले आगे रहता है। जी हाँ, पनीर बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है, और होटल्स के स्टाइल का जो पनीर होता है वो मैं जो स्टार्टर जब सर्व किया था बहुत अच्छा लगता है। ऐसी एक रेसिपी है ऑलिव्स पनीर टिक्का, जिसमें कि ब्लैक ऑलिव को यूज़ किया गया है। आइए जानते हैं किस तरीके से शेफ योगी इसको बनाने जा रहे हैं। तो योगी जी, जो ये पनीर टिक्का है इसमें जो मतलब ऑलिव्स का आपने एक तड़का दिया है, हाँ जी, तो उससे इसमें क्रिस्पनेस पड़ जाती है और बहुत सारे लोगों को जो ऑलिव्स अच्छे लगते हैं उनको मजा आ जाता है। बिल्कुल। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एक नॉन स्टिक पैन में मस्टर्ड जो सरसों का ऑयल हल्का सा वार्म, ओके, हल्का सा गर्म होने के बाद में मस्ट टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और हैंकर और अमचूर पाउडर और सॉल्ट, स्टफ करने के लिए ब्लैक ऑलिव स्लाइस और ग्रीन कोरिएंडर। तो आपने ये बात देखी होगी कि सरसों का तेल, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि जो पनीर टिक्का होते हैं इसमें सरसों के तेल के साथ इसको बनाया जाता है।
तो सर सबसे पहले तो योगी जी ने यही बताया है कि इसको जब बनाया जाता है तो सरसों के तेल के साथ बनाया जाता है। तो यहाँ हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और जिसकी स्टफिंग है वो ऑलिव्स को बारीक बारीक चॉप किया गया, उसमें धनिया डाला गया है और उसकी स्टफिंग करी जाएगी, और जब बंधावा यानी हंकर्ड योगर्ट जिसको बोलते हैं उसको यूज़ करके इसको तैयार किया जाएगा, है ना। कितना अच्छा होगा ना, और आप सोच रहे होंगे और उसका स्वाद कितना अच्छा आएगा। हल्का सा मस्टर्ड से ये ऑयल गर्म होने के बाद में मिक्सिंग बाउल में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और धनिया पाउडर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हैंकर्ड। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद में कॉटेज चीज में आप स्टफ करने के लिए स्लाइस ऑलिव्स और कोरिएंडर के साथ में नॉन स्टिक पैन में हमें ग्रिल करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका जो बेस है वो इसका हंकर्ड इसका बेस है, यानी कि पूरा जो बंधा हुआ दही होता है। अब वो कैसे बनाना है कि या तो आप एक काम करिए, जो नॉर्मल चलनी होती है जिसको से अपन कुछ चीज़ें स्टेन करते हैं उसमें आप दही को एज इट इज़ रख दीजिए, ऊपर फ्रिज में रखिएगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नीचे एक बाउल रख दीजिए खाली, तो जो उसका पानी टपकेगा वो उस बाउल में आता जाएगा, और यानी एक दो घंटे में आधे घंटे में दही आपका बहुत अच्छे से बंधा हुआ हो जाएगा। आप चाहें तो उसको ओवरनाइट भी रख दीजिए, वरना आधे घंटे में पूरा पानी नीचे आ जाता है और जो दही है वो एकदम बिल्कुल से पानी नहीं रहता है, और उसको इसमें यूज़ किया गया है। एक जो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि कहीं भी कोई स्पेशल मसाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम लोग होटल में जाके खाते हैं या बाहर खाते हैं तो कोई स्पेशल मसाला होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए धनिया पाउडर तक इसमें यूज़ किया है, धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है, ये चारों मसाले हम अक्सर यूज़ करते हैं, उन्हीं मसालों के संग इसको बनाया जा रहा है, यानी कि आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस ध्यान से देखते रहिए लेकिन ट्राई ज़रूर से करिएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी मसाला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली जो हल्का सा खट्टा और सॉल्टी ऑलिव ऐसे ही होते, रेगुलर टेस्ट होता है इनका। अच्छी तरह से फीलिंग होने के बाद में जो हैंकर थी इसमें डिप करने के बाद में नॉर्मली 3-4 घंटे तक इसमें रखना पड़ता है, मैरिनेशन के लिए रखना पड़ता है। तो अच्छा से इसका फ्लेवर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर सब इसमें ऐड हो जाता है। तो जो ऑलिव्स हैं वो उसमें कोई मसाला नहीं है, सिर्फ उसमें ऑलिव्स को बारीक बारीक चॉप किया है और उसमें सिर्फ जो हरा धनिया होता है उसको डाला है। पनीर की आपने देखा एक स्लाइस पूरी ब्रिक आती है, उस ब्रिक को पहले आप पीसेस में कर दीजिए और हर पीस पे एक स्लिट लगा दीजिए। तो स्लिट आपको ऐसे लगाना है कि बहुत अंदर तक नहीं हो, वरना पूरा वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस ऐसा स्लिट हो, थोड़ा सा मोटा पनीर लीजिएगा ताकि वो स्टफिंग उसमें इजीली फिल हो जाए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। नॉनस्टिक पैन को गर्म होने के बाद में आराम से इजीली नॉनस्टिक पैन में डालने के बाद में जब एक साइड से गोल्डन कलर आने पर दूसरे साइड से टर्न करेंगे क्योंकि अच्छी तरह पकने के बाद में। देखिए वर्तिका जी जो गोल्डन कलर आ रहा है ये साइड से एकदम रेडी है। तो देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ रहा है, और योगी जी यही खड़े हैं, जो जो चीज़ें उन्होंने काम में ली है वही ली है, मतलब ऐसा नहीं कि इस कलर को लाने के लिए कुछ कलर का यूज़ किया है। देखिए घर में रखी हुई टर्मरिक यानी कि हल्दी
उसी से इसका इतना खूबसूरत कलर आया है। साथ में हमने सरसों का तेल यूज़ किया है, तो सरसों के तेल की पंचिंगनेस पूरे यहाँ पे घूम रही है। और जो स्टफिंग की बात है, तो स्टफिंग आपको बहुत सारे तरीके से हमने बताई दी है। और सबसे अच्छा बात यह कि ऐसा कुछ नहीं है कि तंदूर चाहिए, ग्रिलर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, नहीं चाहिए, इवन हमें ग्रिलिंग तवा भी नहीं चाहिए। ग्रिलिंग पैन अक्सर घरों में होता ही है, ग्रिलिंग पैन है तो ग्रिल के कुछ मार्क्स आपको चाहिए तो ग्रिलिंग पैन का यूज़ कर लीजिए। वरना हमने यहाँ पर कोशिश यही करी है कि घर में सिंपल जो आपके पास तवा है उस पर ही आप कितनी खूबसूरती के साथ इसको बना सकती हैं। यही हमारी एवन रसोई की कोशिश है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आपके पास नहीं भी हैं, कुछ चीज़ें बाज़ार से ख़रीदनी नहीं पड़े और उन्हीं चीज़ों के साथ आप बहुत अच्छी रेसिपीज घर में बना सकें। सर्व किया जाता है कि मिंट चटनी, धनिया की चटनी, डेट्स और पपाया की चटनी, जो रो पपाया होता है उसके साथ कलौंजी का तड़का लगा के और अच्छा। आराम से इजीली इसका डिप बनता है। आप कोई भी डिप बना सकते हैं, बहुत सी डिप होती है, थोड़ा सा माइंड यूज करने की होती है। बीटरूट डिप, पम्पकिन डिप, डेट्स और अंजीर की डिप, आपको जो स्पाइसी चाहिए वो भी आप यूज करते हो। मुझे लेस खाना है, मुझे ओवर खाना है, जो आपके वैसे बेसिकली पनीर टिक्का मिंट और धनिया के साथ सर्व किया जाता है। ठीक है, ऑलिव पनीर टिक्का एकदम रेडी। लास्ट फिनिशिंग में ग्रीन कोरिएंडर और चाट मसाला। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। इमेजिन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस कलर के लिए कोई तंदूरी कलर, कोई तंदूरी रेड कलर कहीं कुछ यूज़ नहीं किया गया है। सिर्फ हल्दी के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च और यानी कि सरसों का तेल था, तो उन्हीं सब चीज़ों से इसका एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। और साथ में बात रही टेस्ट की, वैसे दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं इसको छेड़ूँ, लेकिन इसको टेस्ट कर रही हूँ। फैंटास्टिक और अल्टीमेट, सिर्फ मसालदानी के चार मसालों के साथ इतना अच्छा ऑलिव पनीर टिक्का मिस मत करिएगा, ज़रूर से गर्मा गर्म सर्दी में सबको खिलाइएगा। कुछ बातें हैं उनको आप ध्यान रखिए, स्टफिंग में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज कर लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर से। क्या सोच रहे हैं आप, मज़ा आ गया ना? सीरियसली मुझे ही मज़ा आ गया। तो शानदार स्प्रिंग रोल, एकदम होटल के फील वाला, और साथ में इतना अमेजिंग पनीर टिक्का। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि वही घर में जो मसाले होते हैं, पनीर है, ऑलिव्स नहीं खाने हैं तो स्टफिंग चेंज कर सकते हैं, यानी कि कितनी आसानी से हम एकदम बहुत अच्छा टच दे सकते हैं। इसका सीक्रेट है सरसों का तेल। वाकई में मुझे बहुत अच्छी रेसिपीज लगी, आप अपने घर में ज़रूर से ट्राई करिएगा। और हमारी A1 रसोई को ऐसे ढेर सारा प्यार देते हुए इसको A1 बनाते रहिएगा। और मैं आपको हमेशा, क्योंकि बोलना चाहूँगी, शुक्रिया 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 हर बार ढेर सारे प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा और खुश रखिएगा। बाय बाय।